छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ऐसी घटना घटी जहां एक युवक के सपने में बाबा आए और एक विशेष स्थान के बारे में बताया। इसके बाद युवक ने उस स्थान पर खुदाई की। खुदाई में मिले सामग्रियों को देख युवक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या सपने सच भी होते हैं। दरअसल घटना बरमकेला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कलगाटार की है। इस युवक को पिछले कुछ सालों से रोजाना एक सपना आता था जिसमें एक बाबा ने बताया कि वे गांव के पहाड़ में स्थित देववन योनी नाम के जगह में अपने परिवार के साथ रहते थे। युवक ने अपने सपने के बारे में ग्रामीणों को बताया और बुधवार को देववन योनी जंगल के पहुंचकर खुदाई की। खुदाई में एक शिवलिंग, 3 कलश, 3 त्रिशूल, 547 रुद्राक्ष, तांब के सांप और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिंड भी मिला। इसकी जानकारी गांव में लगी तो लोग वहां पूजा अर्चना करने पहुंचने लगे। बहुत अच्छा लग रहा है शंकर जी के यहाँ जो धरस हो रही है और जो लिंग है वो सपना में राम गोपाल ने कहा। तो हम लोग आए 25 लोग, 25 लोग आने के बाद और 25 ही इकट्ठा हो गए और जो राम गोपाल बोला कि 3 गोल बनाया बेल वृक्ष के नीचे में, तो हमने तीनों वृक्ष में गया लेकिन दोनों वृक्ष में हमको अभाव नहीं हुआ। फिर तीसरा वृक्ष में गए, सब लोग यही है यही करके आत्मा हमको प्रसन्न हुआ। मैं अपना आह्वान किया भगवान की स्तुति की, तब मुझे पता चला जो 3 वृक्ष हैं ऐसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश, इस 3 वृक्ष में से ही कोई एक वृक्ष में भगवान शिवलिंग का प्रकट होंगे। मैंने वृक्ष में जब मैं अपनी पूजा पाठ करके उठा वहाँ से, 3 वृक्ष के नीचे एक गोलाकार चित्र बना दी कि इसके अंदर बाहर कुछ नहीं करना है, अंदर ही कोड़ना है, ठीक है। और कोई भी जड़ पे कुछ खरोच नहीं आना चाहिए, पवित्र पूर्वक आराम से कोड़ना चाहिए, ये मैं बोल के अपने भवन में फिर से बैठ गया। ये जो खुदाई की एक ग्रामीणों के द्वारा किया गया या आपके द्वारा किया गया?